को पता नहीं क्या मसला है। क्या हुआ मां? बेटा ज्वेलर्स को फोन कर रही हूँ, इतनी देर हो गई, कब से ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। बहुत टाइम हो गया, शॉप बंद हो गई होगी। सेल फोन पे कर रही हूँ बेटा, शॉप पे तो नहीं कर रही, उठा ही नहीं रहे। कोई अर्जेंट काम है? अरे भाई मुझे इस सेट का डिजाइन चेंज करवाना है, वो जो सारा की नन ने पहना था ना बिल्कुल वैसा बनवाना चाह रही। बन जाएगा माँ, सुबह तक इंतजार कर लीजिए। सुबह तक? मुझसे 5 मिनट इंतजार नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो सुबह तक? आपको पता है बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं आप अभी। जैसे वो नई क्लासेस में जाते हैं तो उनको एक्साइटमेंट होती है नई स्टेशनरी की, बुक्स की, कॉपीज की, बिल्कुल उसी तरह से आप भी एक्साइटेड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, ऐसी खुशी तो मुझे अरसे बाद मिली है। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने बहुत ज्यादती की है आपके साथ इतना अरसा, जब पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। ज्यादती तो की तुमने, लेकिन इंशाल्लाह इस ज्यादती का इजाला हो जाएगा जब मैं अपने पोता पोती को गोद में खिलाऊंगी। बस बता नहीं सकती, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, इन्हें पता नहीं क्या हो गया। अच्छा लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। मैं कहता हूँ किसी घर से बाहर निकालें, अभी के अभी से घर से बाहर निकालें, कहीं भी जाए, इससे हमारा कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है, निकलो यहाँ से बाहर, मैं कहता हूँ निकलो। खाना खा, नहीं खाना भाभी। अच्छा थोड़ा सा खा लो भाभी, प्लीज चली जाए यहाँ से, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। तिलनशी गलती तुम्हारी, तुम्हें ऐसे घर में दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी जिनसे हमारा कोई जोड़ ना हो। ये अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी की उतरन तो पहना सकते हैं, लेकिन इज्जत से तुम्हें अपने घर ब्याह के बहू नहीं बना सकते। लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर नहीं था, मोहब्बत करता है वो मुझसे। अमीर घराने के लड़के गरीब घराने की लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते, टाइम पास करते। अगर टाइम पास कर रहा होता तो अपने घर में मेरे रिश्ते की बात नहीं करता। बात करने के बाद क्या हुआ? तुम और तुम्हारा भाई थाने जाकर, आस पड़ोस के लोग हमसे पूछ रहे थे कि हमारे घर पुलिस क्यों आई, क्या जवाब देते? तुम्हारा रिश्ता लेकर आई, जो बची कुछ इज्जत रह गई है ना हमारी, उसे समेटो और ब्याह कर अपने घर जाओ। प्लीज इनकार कर दे इस रिश्ते से, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। दिलनशी तुमने कसम खा ली है कि हमारी इज्जत की नीलामी करके ही छोड़ोगी? हम हाँ कह चुके, तुम इनकार करते हैं इस रिश्ते से, उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? उससे मैं इसको जानती नहीं हूँ, मेरा दिल उसे तस्लीम नहीं करेगा, मेरे साथ ये मत करें प्लीज प्लीज। तुम्हारे दिल की मर्जी का लड़का भरे चौक पे खड़े होके हमारी इज्जत की नीलामी कर चुका है। इस वक्त तुम जज्बात से काम ले रही हो, सोचने समझने से कासिर। हैदर भाई से शादी करके तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगी। तुम्हें पता है हमारे खानदान की हर औरत यही चाहती थी कि उसकी बेटी हैदर भाई से ब्याह ही जाए, लेकिन हैदर भाई को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, उन्होंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया था। मर्द किसी औरत से मोहब्बत करे ना तो उसे बहुत इज्जत और ऐश के साथ अपने घर में रखता है।
आखिर मैं तो हमजा के अलावा किसी का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। तसव्वुर करने का नहीं कहा मैंने तुमसे, शादी करके अमलन जिंदगी गुजारने की बात कर रही। खाना रखा है, दिल हो तो खा लेना। सो रहा है क्या? जी सो रहा है अभी तक। कोई बात हुई उससे कल? यस डैड, बार बार दिलनशीन को कॉल करवा रहा था, उसका नंबर बन जा रहा था। तुमने उसे समझाया नहीं? हाँ भाई, तुम क्यों समझाओगी, सारा किया धरा तो तुम्हारा ही है। मैम इसमें मेरी क्या गलती, हमजा दिलनशीन से प्यार करता है। He loves her. उसने खुद उसे सेलेक्ट किया है अपने लिए। इस एज में तो हर दूसरी लड़की के साथ प्यार हो जाता है। नहीं मॉम, हमजा ऐसा नहीं, उसने सिर्फ दिलनशीन से प्यार किया है। पता है वो कल रात मुझे क्या कह रहा था? बोल रहा था कि अभी इसी वक्त दिलनशीन के घर चलो, और अगर हम लोग चले जाते और वहां उसका भाई मिलता तो वो क्या हाल करता हमजा का। अभी कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल कुछ दिन के लिए उसको बाहर ले जाओ, तुम भी साथ चली जाओ, यहाँ से दूर रहेगा तो उसका ध्यान भी बटा रहेगा। अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी की उतरन तो पहना सकते हैं, लेकिन इज्जत से तुम्हें अपने घर ब्याह के बहू नहीं बना सकते। ठीक से धो, क्या गंदे और मैले तरीके से धो रही है, देखो सारी चिकनाई लगी हुई है यहाँ। अम्मी साफ तो है। जितनी सफाई से घर से बाहर चक्कर चला रही थी ना, कम से कम उतनी सफाई तो दिखाओ बर्तन धोने में। आपको क्या हो गया, आप हर बात को उसी तरफ क्यों ले जाती हैं? घर से निकलना बंद करवा दिया, अब पढ़ाई बंद करवा दी, अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, तुमने तो कर लिया ना जो करना था। कैसे चलाया ये चक्कर, कहाँ घूमती फिरती रही हो उसके साथ, कहाँ कहाँ जाती रही हो उस लफंगे के साथ? कहीं नहीं जाती थी मैं, हाथ छोड़े प्लीज मेरा। कहीं नहीं जाती थी तो घर बैठे ही हो गया ये चक्कर। हाँ क्या कर रही हैं? हम दोनों ट्रिप पे जा रहे हैं। What? सरप्राइज ना, मुझे मालूम था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो बाहर जाने का सुन के एक्साइटेड हो जाऊंगा, बड़ा हो गया हूँ। Really? बड़े हो गए हो तो बड़े होने का सबूत भी दो। तुम तो ऐसे घर से गायब हो जाते हो, खुद सोचो कोई भी मैच्योर लड़का ऐसे करता है? डिस्टर्ब था, कुछ समझ में नहीं आया और अकेला रहने का दिल चाह रहा था। ठीक है, अगर तुम अकेले ही जाना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे डैड चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं।
तो अब मैं डैड से कह दूंगी कि सिर्फ तुम्हारा टिकट करा दे। मॉम क्या हो गया आपको? अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से चला जाऊंगा, दिल नशीन को भूल जाऊंगा, तो ये भूल है आपके। हमजा तुम चाहे यहाँ रहो या वहां रहो, तुम्हें हर हाल में दिल नशीन को भूलना होगा, बस। तो फिर आपको मुझे भूलना होगा। हमजा हमजा तुम्हारी ये शादी की उम्र तो नहीं मैं है। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी शादी करवा दे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके घर जाएं, घर वालों से बात करें, एंगेजमेंट करें और ये मेक श्योर करें कि वो सिर्फ मेरी रहेगी। ओके, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नो, तुम चले जाओ। यहाँ रहोगे तो तुम्हारा एक ही यही सवाल होगा और हमारा इनकार की सूरत में एक ही जवाब होगा। ओहो, नो प्रॉब्लम। जब तक आप नहीं मानेंगी मैं भी यही बात करता रहूंगा। Hamza, just pack up your bags and go. Never. Sir? खाना अंदर भिजवा दो। रहने दे भाई, आप खाना खा रहे, मैं बाद में खा लूंगी। अपने दफ्तर में अगर लोन की बात करनी है तो भी कर लो। बुशरा का फोन आया था, वो तारीख मांग रही हैं। मैं सोच रही हूँ अगले महीने की कोई तारीख दे दूँ। बस ये लड़की जितनी जल्दी इस घर से चली जाए उतना ही बेहतर है। मैं इसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, लोन नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन हमें शादी तो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी होगी। जैसे आजकल नॉर्मल शादियां हो रही हैं ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक 5-स्टार होटल बुक तो नहीं करा सकते। हाँ हाँ, हम उसी तरह से करेंगे शादी जिस तरह के हमारे हालात हैं। बस एक बार इज्जत से, खैर खैरियत से लड़की अपने घर की हो जाए और किसी बदनामी का सामना ना करना पड़े।